जी, आज की मूवी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश काउंसिल एंड एईयू। इससे पहले भी इस मौजू पे एक मूवी में बना चुका हूँ, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते कि सर एक इसमें उर्दू लैंग्वेज में भी आप मूवी बना दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम फॉर्मूले डिस्कस करें तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एईयू एंड ब्रिटिश काउंसिल। तीन स्टेक होल्डर्स हैं, एक आईडीपी, दूसरा ब्रिटिश काउंसिल और तीसरा कैम्ब्रिज असेसमेंट सेंटर। अब ये कैम्ब्रिज असेसमेंट सेंटर है, ये टेस्ट को डिज़ाइन करता है, ब्रिटिश काउंसिल और आपका जो एईयू है ये टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, और एईयू आईडीपी के बिहाफ पे इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि एक टेस्ट जो है एक यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करिए और उसके दो टेस्ट सेंटर्स हैं, ए सेंटर है, बी सेंटर है। तो जैसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप किसी भी सेंटर से टेस्ट दे लें, इसी तरीके से इस टेस्ट में नहीं है, दोनों का जो एग्जामिनर्स हैं वो एक ही तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उन्हें रूब्रिक दी जाती हैं, उन्हें मार्किंग स्कीम दी जाती है, बताया जाता है कि आपने टेस्ट किस तरह चेक करना है, और इस तरह वो टेस्ट को चेक कर लेते हैं। ये तो जो बात है ये थोड़ी सी फॉर्मली है जो लिटरेचर हमें बताती है, लेकिन आप थोड़ी सी इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं। तो इनफॉर्मल डिस्कशन में मैं आपको ये बताऊं कि ब्रिटिश काउंसिल और एईयू आपस में कंपेटिटर हैं, और ये टेस्ट टेकिंग के थ्रू मतलब पैसे बनाते हैं अपने, और हर साल हज़ारों बल्कि शायद लाखों बंदे जिनसे वो टेस्ट देते हैं, और कई लोग जिनसे बार बार रिपीट करते हैं। तो इनकी कोशिश ये होती है कि इनके सेंटर से टेस्ट दिया जाए, इसलिए ये लोगों को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को भी परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करें कि उनके सेंटर से वो टेस्ट दें। दूसरी बात ये है कि इनकी सेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जब आप लिसनिंग की बात करते हैं तो ब्रिटिश काउंसिल में इंफ्रारेड हेडफोन्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उससे लिसनिंग क्वालिटी कुछ बेहतर हो जाती है, लेकिन एईयू में स्पीकर्स के थ्रू टेस्ट होता है। इसलिए कि अगर क्लासरूम में एग्जामिनेशन सेंटर में थोड़ी सी नॉइज़ होगी तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स समटाइम्स ये क्लेम करते हैं कि जी मैं आखिरी कोने में बैठा हुआ था, वहाँ पर स्पीकर की वॉइस इतनी अच्छी नहीं थी, कि मैं स्पीकर के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था, उसमें मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये कुछ चीज़ें कि ज़रा सा भी एग्जामिनेशन सेंटर में डिस्टर्बेंस आएगी तो स्टूडेंट्स दे फील के हमारा जो सा थोड़ा सा स्कोर इसमें गिर सकता है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर मैंशन करना चाह रहा हूँ कि दो मॉड्यूल्स ऐसे हैं, जिस तरह एक स्पीकिंग है और एक राइटिंग है, इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर इंटरफेरेंस होती है, एग्जाम यानी कि एक पर्सनल, हम बायस तो नहीं कहेंगे लेकिन पर्सनल थोड़ी सी इंटरवेंशन है, इन अ सेंस के हर एग्जामिनर थोड़ा सा उसका डिफरेंट वे में वो चेक करता है। बेशक उन्हें गाइडलाइंस दी होती हैं, उन्हें बताया होता है, उन्हें उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन किया होता है, लेकिन ये कि ये समझा जाता है अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि राइटिंग मॉड्यूल के अंदर और स्पीकिंग के अंदर एईयू वाले जो उनसे हैं वो थोड़े से लीनियंट हैं मार्क्स देने में। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे भी ऐसा फील होता है, लेकिन इसके पीछे कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि जो कि हमें बताए ये कि हो सकता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो आपके अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो एईयू से टेस्ट दे रहे हो तो इस वजह से उनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं। तो ये जी आज की मूवी थी, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच।